एनसीईआरटी निकालिए बेटा, एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 13 14 15 वाला रह गया था, समापिक एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्वेश्चन नंबर 13, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर लाइट हाउस। क्वेश्चन नंबर 13, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर लाइट हाउस, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 40 डिग्री। If one ship is exactly behind the other, if one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. अगर ये हमारे पास एक lighthouse है, angles of depressions of two ships, one behind the other. एक का एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है, एक का एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 है, ये वाला एंगल 35-30 हो जाएगा, इसके आगे वाला 45 डिग्री आ जाएगा आपके पास, क्लियर है? अब हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, इसको एक सिलेक्ट कर लीजिए, ये वाला डिस्टेंस वाई हो जाएगा, एबीसी ट्रायंगल tan 45 इज इक्वल टू AB अपॉन BC, 75 अपॉन y, tan 45 की वैल्यू 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जिससे y की वैल्यू आपके पास 75 मीटर आ जाएगी, y इज इक्वल टू 75 मीटर। तो बड़ा वाला ट्रायंगल यूज करो ABD, वहां पे एंगल 30 डिग्री है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज AB, बेस आपके पास कितना गिवन है, BD गिवन है, This is 75 upon BD. BD हो जाएगा आपके पास x plus y. Tan 30 की जो वैल्यू होती है 1 by root 3 है. This is equal to 75 upon x plus y. Cross multiply. जिससे x plus y की वैल्यू x plus y ये हमारे पास आ जाएगा 75 root 3. Y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. जिससे x आपके पास आ जाएगा 75 root 3 minus 75 root 3 minus 1. अगर तो क्वेश्चन में आपके पास लिखा हो कि सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ root 3 आल्सो, तो root 3 को सब्स्टिट्यूट अगर कर देंगे तो root 3 की वैल्यू 1.73 minus 1 is 0.73, मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा आपके पास मीटर्स में। वैल्यू ऑफ रूट 3 की तभी सब्स्टिट्यूट करेंगे जब क्वेश्चन में लिखा होगा यूज रूट 3 इज इक्वल टू 1.73, दैट इज 54.9 मीटर, इज वेरी गुड, 54.9 नोट करके डन इन द चैट बॉक्स। ये मेरे को एक एक करके इरेज करना पड़ेगा, तीनों क्वेश्चंस बड़े हैं, सबकी फिगर बनानी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर जो 14 है इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में फिगर गिवन है बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको उस क्वेश्चन की फिगर नहीं गिवन होगी एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट कोई बात नहीं, आदित्य कर लिया तो एक बार एनसीईआरटी फॉर्मली कंप्लीट हो जाएगी हमारी। आपका जहां पे बोल रहा है 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बैलून फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर्स अबव द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून इंक्रीजेस फ्रॉम at any instant is 60 degree, after some instance after some time the angle of elevation changes to reduces to 30 degree, find the distance traveled. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फिगर गिवन नहीं होगी एग्जाम में,
आपको बोल रहा है 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बैलून फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 88.2, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री. फर्दर आफ्टर सम टाइम बैलून क्या होगा, आगे की तरफ कहीं मूव कर जाएगा. अब आफ्टर सम टाइम बैलून जो बच्चे के आगे तक चला जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन है वो चेंज हो गया, आपके पास कितना आ जाएगा, दैट इज 30 डिग्री. सी डी ई एफ जी एच जो हाइट है वो आपको 88.2 गिवन है, तो ये पूरा 88.2 मीटर्स, ये इतना पार्ट 1.2 मीटर्स, जिससे ये आपके पास 87 चला जाएगा. ये हमारे पास 1.2 है, दिस इज 87 मीटर्स. बैलून कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर गया है, डी से लेके जी तक, तो ये डिस्टेंस एक्स होगा और ये वाला डिस्टेंस वाई. पहले ट्रायंगल सी ई ए यूज करेंगे, सी ई ए ये मेरे पास आ जाएगा टैन 60 इक्वल टू सी ई अपॉन ए ई 87 अपॉन वाई. टैन 60 की वैल्यू है रूट 3 क्रॉस मल्टीप्लाई 87 अपॉन रूट 3. रैशनलाइज करो तो 87 रूट 3 अपॉन 3, जिससे y की वैल्यू आ जाएगी 29 रूट 3. y इज इक्वल टू 29 रूट 3 मीटर्स. क्लियर? अब एफ एच ए ट्रायंगल यूज करो. एफ एच ए टेन 30 इज एफ एच अपॉन ए एच. एफ एच हमारे पास 87 है, ए एच है ये पूरा एक्स प्लस वाई. टेन 30 बड़ा वैल्यू होती है 1/√3 87 अपॉन एक्स प्लस वाई. दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x प्लस y की वैल्यू 87 रूट 3, y हमारे पास 29 रूट 3 है. राइट साइड पे जाके ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे जिससे आपका आंसर आ जाएगा 58 रूट 3. दिस इज 58 रूट 3. 59 नहीं होगा भाई, 58 आएगा. This will be 58. क्या करा? पहले C E A triangle use करा, जिससे y की वैल्यू आई. फिर मैं use करेंगे F H A tan 30 is equal to 27 upon x plus y. y की वैल्यू substitute कर देंगे तो आपका 58 root 3 आ जाएगा. Question में बोला था after some time की angle जो है वो reduce हो गया है. जब रिड्यूस हो गया तो इसका मतलब यही होगा कि जो बैलून है वो कहां चला गया बेटा, आगे की तरफ चला गया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15. Now, sir, if girl goes forward, angle reduce कैसे होगा बेटा? अगर मैं किसी object के पास चला जाऊंगा तो उस केस में angle reduce थोड़ा होगा, angle तो बढ़ जाएगा. Suppose एक building को दूर से देख रहे हैं तो angle कम होगा, उसके पास जाओगे तो angle बढ़ता जाएगा ना. Next, question number 15, very important question. आप लोगों का जब भी टेस्ट होगा 14-15 क्वेश्चन आपको टेस्ट में हर बार मिलेगा. क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है स्ट्रेट हाइवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर
A straight highway leads to the foot of the tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of 30 degree which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. A man is standing at the top of the tower. ये tower है. एक car को देख रहा है. Angle of depression 30 degree. Angle of depression 30 degree. फिर आपको बोल रहा है. After 6 seconds later, the angle of depression of the car. The angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. ये क्या बोल रहा है? थोड़ी देर बाद अभी ये कार विवर्ता बिल्डिंग की तरफ टावर की तरफ आ रही थी. थोड़ी देर के बाद 6 seconds. तो C से D तक टाइम है आपके पास 6 seconds. तो जो एंगल है वो एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया. तो ये एंगल आ जाएगा 60 डिग्री. ये हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री. टावर की हाइट आपके पास H आ जाएगी. B से लेके D तक का डिस्टेंस X और C से लेके D तक का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग Y लेट कर लेंगे. ये हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि D से लेके B तक आने में टाइम कितना लगा है. यहाँ पे टाइम कितना है और जो कार है वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है. कार क्या कर रही है? यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है. तो हमें यहां से D से B तक का टाइम निकालना है. तो कैसे करेंगे? पहले छोटे वाले ट्रायंगल से डिस्टेंस निकाल लो X, बड़ा वाला ट्रायंगल यूज करके डिस्टेंस Y निकाल लेंगे. पहले इतना पार्ट करो. इन ट्रायंगल ABD tan 60 is H by X, root 3 is H by X. तो हाइट हमारे पास कितनी आ जाएगी? X root 3. हाइट इज X root 3. फिर बड़े वाले ट्रायंगल यूज करो ABC. ABC ट्रायंगल में tan 30 is equal to H upon X plus Y. tan 30 की बड़ा वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1 by root 3 H upon X plus Y. क्रॉस मल्टीप्लाई X plus Y is equal to X root 3. अब पहले वाले से जहां पे X root 3 is equal to H निकाला था यहां से सिर्फ डिस्टेंस निकालो X, वो कितना आ जाएगा? H upon root 3 आ जाएगा. This will be H upon root 3. Clear? इसको X को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो. H upon root 3 plus Y is equal to H root 3. तो Y की वैल्यू आ जाएगी H root 3 minus H upon root 3. LCM तो root 3 आ जाएगा. LCM 3H minus H. तो y आपके पास आ जाएगा 2h upon root 3. तो x भी निकल गया, y भी निकल गया. यहां तो हो गया सबका x and y. अब इसके बाद ये मेरे पास डिस्टेंस है, मेरे पास यहां का टाइम भी है. मेरे पास डिस्टेंस भी है और मेरे पास टाइम भी है. सर why टू डू लाइक दिस, वी कैन रिप्लेस y विद 6. शाबाश. ये y ने डिस्टेंस है और 6 जो है टाइम है यहां से यहां तक आने का. समझ आ गया सौम्या? ठीक है ना? तो ये हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस है, टाइम है. जब डिस्टेंस भी है और टाइम भी है तो क्या निकाल सकता हूँ वहां से? स्पीड निकाल सकता हूँ. तो C से D जाने में जो स्पीड का फॉर्मूला है वो है डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस है y, y की वैल्यू है 2h अपॉन रूट 3 डिवाइड बाय टाइम. टाइम है आपके पास 6, जिसकी वजह से स्पीड आपके पास आ जाएगी 2 1 3 0. सो दिस इज h
अपॉन 3√3। तो आपके पास डिस्टेंस कितना, स्पीड क्या आ गई है, h अपॉन 3√3 मीटर पर सेकेंड, h अपॉन 3√3 मीटर पर सेकेंड। अब यही स्पीड कहां से कहां तक यूज करेंगे, d से लेकर b तक यूज करेंगे, और d से b में हमें टाइम निकालना है, तो टाइम का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है x, x की वैल्यू है h डिवाइड बाय √3 डिवाइड बाय स्पीड, स्पीड कितना है h अपॉन 3√3। This will be h upon root 3 multiplied by 3 root 3 divided by h. H से h cancel, root 3 से root 3 cancel. ये क्या आ जाएगा हमारे पास, टाइम 3 सेकेंड्स आ जाएगा। नोट कर लो इसे, क्वेश्चन में गिवन था कि यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, तो जैसे जैसे सारे क्वेश्चन सॉल्व करते आते हैं वैसे मेरे ड्रॉप के बेस के डिस्टेंस निकालनी है इन टर्म्स ऑफ एच, फिर उसके बाद हमने DC से B तक का टाइम गिवन था, डिस्टेंस गिवन था, तो स्पीड निकाली है, फिर इसी स्पीड को हम D से B में यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन नंबर 16 सिलेबस में नहीं है, बट जो लोग NTSC या एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करेंगे ये उनके काम आएगा। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पे बोल रहा है इस क्वेश्चन में ये 8.3 एक्सरसाइज हम लोगों ने करी थी ट्रिग्नोमेट्री में, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाली, उसी के बेसिस पर है ये, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है सारे सारे हमारे 11th में यूज होंगे, क्योंकि अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं सिर्फ एक ही क्वाड्रेंट के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं एंगल्स को। जब आप 11th में जाओगे वहां पे आप 0 टू 90 अभी पढ़ा है आपने, वहां पे 135 200 500 600 ये सारे के सारे आपके यूज आ जाएंगे, ठीक है, इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्म है। तो देखिए अब लास्ट 16 आपको बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर्स एंड 9 मीटर्स फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दोनों एंगल सब 90 है। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6। क्वेश्चन नंबर 16, एक टावर है, दो पॉइंट्स हैं, पहला पॉइंट फोर मीटर्स पर है, दूसरा पॉइंट 9 मीटर्स के डिस्टेंस पे है। जो एंगल यहां बन रहे हैं वो दोनों के दोनों एंगल्स क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो एक एंगल अगर थीटा है तो दूसरा वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। प्रूव दैट द हाइट इज 6 मीटर्स। अभी कैसे होता है देखो, जब भी एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री बन रहे होंगे ना, 4 × 9 कितना होता है 36, 36 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 6, वही प्रूव करना है क्वेश्चन में। तो पहले छोटा वाला ट्रायंगल और ABC tan theta is equal to h by 4, बड़ा वाला ट्रायंगल ABD tan 90 minus theta is equal to h upon 9। अब tan 90 minus theta cot theta होता है, h by 9 tan theta h by 4। सवाल कैसे करूं, एंगल तो गिवन नहीं है बट हमें पता है कि दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो कितना होता है, 1 होता है। tan theta multiplied by cot theta is equal to h by 4 multiplied by h by 9, cot होता है 1 by 10, h into h, h square upon 36, ये हो जाएगा 1, h square upon 36, 36 is equal to h square, which implies h is equal to 6 meters. cot theta, हाँ वही तो लिखा है, यही तो है बेटा, ठीक है ना।
तो ये हमारा एनसीईआरटी से पूरा का पूरा बेटा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो हमारा जो असाइनमेंट था, असाइनमेंट के अंदर आप लोग 49 से लेके अब 50 तक, 58 तक वो सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व कर लेंगे। मैं यहाँ पे असाइनमेंट आपको दे रहा हूं, देखिए असाइनमेंट मैं आपका जो डाउट था वो सेम था, उसको खुद सॉल्व करने के ट्राई करना। सबसे पहला वाला क्वेश्चन, अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल इफ द फुट ऑफ द लैडर, सॉल्व हो जाएगा पहले वाला, बोलो भाई पहला वाला सॉल्व हो जाएगा। दूसरा वाला एन ऑब्जर्वर 1.7 मीटर टॉल इज 20√3 अवे फ्रॉम द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वर ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30, तो हाइट निकालनी है, खुद सॉल्व करेंगे। ये बीजीएस स्कूल का असाइनमेंट है, ये 2017-18 का असाइनमेंट है और अभी भी स्कूल की मैम ने 2021-22 में भी मेन की मैम ने यही असाइनमेंट फॉरवर्ड करा है। तो मैं देख लो बेटा तुम्हारे स्कूल वाले जितने बच्चे टॉप कर रहे हैं सारे यहीं से थे और आज भी वही असाइनमेंट चल रहे हैं, स्कूल ने कुछ नहीं चेंज करा। सॉल्व करिए क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री में आपको बोल रहा है द टॉप ऑफ द टू टावर्स, द टॉप्स ऑफ द टू टावर्स ऑफ हाइट एच एंड एक्स स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड सबटेंड एंगल्स ऑफ 30° एंड 60° रिस्पेक्टिवली at the center of the line joining their feet, find the ratio of x and y. अदित्य यार देखा था उसका मैंने, ठीक है बट अभी 12th के किसी बच्चे ने भी ज्वाइन कर दिया उसका भी लॉल हो गया। क्वेश्चन नंबर थ्री, अब दो टावर्स है, एक की हाइट x है एक की y है और एंगल कितने बना रहे हैं 30 एंड 60, क्या रिस्पेक्टिवली भी लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ यस लिखा हुआ है। तो जो x वाला है उसका 30° है, तो कौन सा टावर बड़ा हुआ ये बताओ, कौन सा वाला टावर बड़ा हुआ है x या y, क्योंकि एक 30° बना रहा है एक 60° बना रहा है, तो कौन सा टावर बड़ा होगा? That is why, क्योंकि y का जो एंगल है वो हमारा ज्यादा है, यहां पे 60° है यहां 30° है, ये x है ये y है। और क्या आपको ये कहीं क्वेश्चन में बोल रहा है एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग देयर फीट, सेंटर ऑफ द लाइन का मतलब क्या हो गया कि दोनों के तरफ डिस्टेंस क्या हो गया हमारे सेम ही हो जाएंगे, ठीक है? बोलो सौम्या क्या डाउट है, हैंड रेज करा हुआ ए बी सी पी क्यू ले लो, पहले लेफ्ट वाला ट्रायंगल सॉल्व करो tan 30 इज इक्वल टू x by d, राइट वाला ट्रायंगल tan 60 इज इक्वल टू y by d, tan 60 की वैल्यू होती है tan 30 1√3, जिससे d की वैल्यू आ जाएगी x√3 और tan 60 होता है √3, तो यहां से d की बेटा वैल्यू आ जाएगी y अपॉन रूट थ्री। अब दोनों का डिस्टेंस है वो हमारे क्या होंगे, सेम होंगे, तो दोनों को आपस में इक्वल रख दो तो x√3 इज इक्वल टू y अपॉन रूट थ्री। इज दिस क्लियर? अब रेशियो क्या निकालिए x अपॉन y, तो ये नीचे आ जाएगा √3 की तरह जाएगा, रेशियो क्या आ जाएगी 1/3 आ जाएगी, तो एक्स और वाई की जो रेशियो है वो 1/3 आ जाएगी। ये क्वेश्चन आप लोगों ने एनसीईआरटी में सॉल्व नहीं करा अभी तक, ना किसी और असाइनमेंट में था, सिर्फ इसी असाइनमेंट में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, इन फिगर, फिगर तो यहाँ पे है ही नहीं कहीं, फिगर का फिगर है नहीं है,
तो छोड़ते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 5, अ पोल कास्ट अ शैडो ऑफ 20√3 मीटर्स ऑन द ग्राउंड, सन्स एंगल, सन्स एलिवेशन गिवन है, हाइट ऑफ द पोल, खुद सॉल्व कर लेंगे, आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ 50 मीटर टॉल बिल्डिंग, करा था क्वेश्चन सेम, एनसीईआरटी का क्वेश्चन यही है या हमने किसी असाइनमेंट में करा था ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, टू मेन ऑन ईदर साइड, टू मेन ऑन ईदर साइड ऑफ अ 75 मीटर हाई बिल्डिंग इन लाइन विद द बेस ऑफ द बिल्डिंग ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एज 30 एंड 60, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू मेन। आसान सा क्वेश्चन है, एक बिल्डिंग है 75, एक इस तरफ है, एक इधर है, एक तरफ 30, एक तरफ 60, यहां पर पहले एक्स निकालेंगे, यहां वाई निकालेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे तो दोनों के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एन एरोप्लेन इज हाई इज व्हेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 4000 मीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड पासेस वर्टिकली अबव अनदर एरोप्लेन एट एन इंस्टेंट व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टू प्लेन्स फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड आर 60 एंड 45। क्वेश्चन नंबर 8, आपके पास दो प्लेन्स हैं, पहला वाला एयरप्लेन 4000 मीटर्स पे है और यहां पे एंगल 45 है, बड़े वाला एंगल आपके पास 60 डिग्री के बना है, दोनों प्लेन्स के बीच में डिस्टेंस मांग रहा है, तो दोनों प्लेन के बीच में डिस्टेंस एक्स ले लेते हैं, तो ये बॉटम वाला डिस्टेंस हो जाएगा 4000 माइनस एक्स, और दोनों के बीच में यहाँ पे जो आपका डिस्टेंस हो जाएगा वो डी हो जाएगा। पहले छोटे वाला ट्रायंगल सॉल्व करिए, tan 45 is equal to 4000 minus x upon d, tan 45 1, तो d कितना हो जाएगा 4000 minus x, बड़े वाला ट्रायंगल tan 60 4000 upon by d, tan 60 की वैल्यू √3 d से मिला के मल्टीप्लाई करिए is equal to 4000, substitute the values, x आ जाएगा, d की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट कर दो, √3 into 4000 minus x is 4000, 4000 √3 minus x, √3 is equal to 4000, 4000 common, √3 minus 1, 4000 को लेफ्ट पे ले आओ, x √3 को राइट पे लिख देना और √3 को यहां से हटा के डिनोमिनेटर में ले आते हैं, तो ये x की वैल्यू आ गई। अब सॉल्व करने के लिए रैशनलाइज कर लो, √3 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, वंचिता, तरन, तनीषा समझ आ रहा है, प्रांजल, प्रांजल वन, प्रांजल टू, प्रभ, गुनीत, दशकरण, हरदयाल, परी, गुड। तो अब सॉल्व करो, 4000 इससे √3 जो मल्टीप्लाई करूंगा, 3 माइनस √3, 1.73/3, क्या आ रहा है आंसर चेक करो, 1687 आ रहा है, मैंने भी किसी बच्चे का देख के बताया, यहां तो आंसर 2920 बोल रहा है, कैलकुलेशन चेक करना दोबारा, यहां पे आंसर दे रहा है हमें 2920, 2920 एरर है क्या कहीं पे, एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 4000 मीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड
passes vertically above another, passes above मतलब वो ऊपर ही हुआ, ठीक है, मतलब हमारा तो 2920 upon 4000 multiplied by 1.27 divided by 3, यहाँ देखा 0.423, ठीक है भाई, यार कुछ उसी के आसपास 1687 या 29, तो हो सकता है इनका आंसर बुक में गलत ना हो, 1687 देख लेना यार, जो भी आंसर आ रहा है इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करके 4000 × 0.423, यहाँ पे मतलब सेकंड में जो 2920 गिवन है वो गलत गिवन है, ठीक है। एक एरोप्लेन 4000 मीटर्स पे है, दूसरा प्लेन सी पर है, एक का 60 के लिए एक का 40 के, पहले छोटा वाला ट्रायंगल सॉल्व करा फिर बड़े वाला ट्रायंगल सॉल्व करा, हो गया आंसर सबका। नेक्स्ट, नाइंथ, फ्रॉम अ विंडो 9 मीटर अबव द ग्राउंड ऑफ अ हाउस इन अ स्ट्रीट, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द फुट ऑफ अनदर हाउस ऑन द ऑपोजिट साइड आर 30 एंड 60, बनाओ इसकी फिगर। की फिगर बनाओ, देखो कि आ रहा सही है नहीं आ रहा, आपकी फिगर सही बन रही नहीं बन रही। फ्रॉम अ विंडो 9 मीटर अबव द ग्राउंड ऑफ अ हाउस इन अ स्ट्रीट द एंगल्स ऑफ एलिवेशन, मतलब वहां से ऊपर देख रहा है और फिर एक बार नीचे देख रहा है, कहां देख रहा है, दूसरे घर पे, तो दूसरा घर जो होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा, तभी तो एलिवेशन है और एक बार डिप्रेशन है, एंड ऊपर देख रहा है 30, नीचे देख रहा है 60, ऊपर देख रहा है 30, नीचे देखेगा 60, तो डिप्रेशन का एंगल ही बनाना पड़ेगा, तो डी से ही इधर 9, ये पूरा एच, ये हो जाएगा हमारे पास एच माइनस 9, सॉल्व करो इस डिस्टेंस को, डी ले लो, ए बी डी ट्रायंगल tan 60, 9 by d, tan 60 is root 3, distance आ जाएगा 9 by root 3, तो d की बेटा वैल्यू आ जाएगी 3 root 3, ऊपर वाला ट्रायंगल c है, tan 30 h minus 9 upon d, tan 30 की बेटा वैल्यू होती है 1 by root 3, d की वैल्यू 3 root 3, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 रूट 3 अपॉन रूट 3 एच माइनस 9, हाइट इज 12 मीटर्स, हाइट इज 12, यही आ रहा है पेजल, परफेक्ट है, सौम्य का आ गया, वेरी गुड, गुरीत रौनक हरगुन, अच्छा असाइनमेंट में गलत गिवन है पहले वाला आंसर, क्रॉस चेक कर लिया देते हैं, ओके हो गया बेटा, मयंक, गुनीत, तरन, आयरा, दिया, मनीत, परी, अभिमन्यु बेटा, ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है हमारे पास फ्रॉम अ विंडो, ये तो हो गया, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, from the top of a tower of height 50, angles of depression of the top and the bottom of a pole, okay, are 30 and 45, खुद सॉल्व करोगे, फिगर बनाए तो मैं, टावर बड़ा है, पोल छोटा है, तो एक बार उसके टॉप पे देख रहे हैं, एक बार उसके बॉटम पे देख रहे हैं, ठीक है, ये फिगर बन जाएगी, पोल छोटा है, टावर बड़ा है, from a tower of height 50, ये 50 के बना करो, ये एच गिवन है, ये एच, तो ये 50 माइनस एच हो जाएगा, एक बार 30 है और एक बार 45 है, 30 45 ठीक है,
नेक्स्ट हो गया, टेंथ हो गया। मैं कब क्लास से एग्जिट हो सकते हो आपका मन करे तो? क्लास अपने टाइम पे बेटा ओवर होगी, आपने क्लास से एग्जिट करना आप कर दो। क्वेश्चन नंबर 11, टू शिप्स आर अप्रोचिंग अ लाइट हाउस फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शंस, एंगल्स ऑफ डिप्रेशन आर 30 and 45 एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स इज 100। लाइट हाउस है, दो शिप्स ऑपोजिट साइड में है, एक 30 पे एक 45 पे। दिस 30, दिस इज 45, 30 डिग्री 45, ये पूरा डिस्टेंस कितना है 100 गिवन है, यही गिवन है क्वेश्चन में। यहां पे देखो आपका क्या बोल रहा है, द हॉरिजॉन्टल टू शिप्स approaching two ships approaching a lighthouse from opposite directions, angle of depression are 30 and 45 and the distance between the two ships is 100, height h right side pe x, ye distance aa jayega 100 minus x, solve ho jayega, aasan sa ekdam। Next question, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स इज 15, एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल फ्रॉम द सेकंड, खुद सॉल्व कर लोगे, आसान सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हाँ ये लास्ट वाला क्वेश्चन करा रहा हूं यार, 17, और यहाँ पे जो 16 था ये नहीं करना, ये सिलेबस से कट चुका है, 16th question is not in syllabus, ये नहीं करना, 17th वाला करवा रहा हूं। यहाँ पे आप क्या बोल रहे थे, angle of elevation of the top of the tower from the point on the same level as the foot of a tower is A, angle of elevation of the top of the tower from the same level as the foot of the tower is A। यहां से जो एंगल बना है पहले गिवन होता था, इस बार ए गिवन है, यहां पे पॉइंट पी क्यू और ये वाला पॉइंट आर हो जाएगा। आगे बोल रहा है ऑन एडवांसिंग पी मीटर्स टुवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर, पी मीटर्स आगे जा रहा हूं मैं, तो वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बी है, यहां से अच्छा देखो यार पी ऑलरेडी गिवन है, तो यहां पे हम इसको एक्स वाई जेड, यहां से यहां तक चले जाता हूं मैं P मीटर्स, तो यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, B हो गया, ठीक है समझ आ गया, P मीटर्स आगे आ गए, पहले आपको गिवन था 10 20 ऐसे गिवन होता था, पर P सब कुछ कॉन्स्टेंट्स में दे दिया है, प्रूव करना है हाइट ऑफ द टावर, ये है जो यहां लिखी हुई है, कैसे करें, हाइट ऑफ द टावर को एच ले लो, ये वाले डिस्टेंस को मैं क्यू ले लेता हूं, पहले छोटा वाला ट्रायंगल tan b इज इक्वल टू h अपॉन q, छोटा वाला ट्रायंगल tan b इज इक्वल टू h अपॉन q, यहां से q की बेटा वैल्यू निकालो, q डिस्टेंस है, q की वैल्यू हो जाएगी h अपॉन tan b, फिर बड़ा वाला ट्रायंगल यूज करो, वहां पे आएगा आपका tan a इज इक्वल टू हाइट h upon p plus q, tan a cross multiply करो, ये हो जाएगा p plus q multiplied by tan a is equal to height, q की value substitute कर दो यहाँ पे, ये हो जाएगा p plus h upon tan b multiplied by tan a is equal to h, multiply करो p tan a plus h tan a upon tan b is equal to h, ठीक है,
निकालना क्या है, हाइट ऑफ द टावर, तो हाइट को ले लो, एच कॉमन लो, वन माइनस टेन ए बाय टेन बी, पी टेन ए इज इक्वल टू एच, टेन बी माइनस टेन ए अपॉन टेन बी, टेन बी को ऊपर जाकर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा पी टेन ए टेन बी, ये वाला पार्ट डिनोमिनेटर में, दैट इज टेन बी माइनस टेन ए इज इक्वल टू हाइट, और यही हम लोगों को प्रूफ करना था, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन है, बस इस बार वैल्यूज की जगह हम लोगों को कॉन्स्टेंट में सारा का सारा काम दे दिया करने के लिए, नोट कर लेना इसको।